गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो अब उसके अंदर थोड़ा डीप में जाते हैं कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी और एक्सप्लेन करना चालू करो। तो सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, याद रखना पॉजिटिव चार्ज क्यू है उसके कारण, कैपिटल क्यू, उसके कारण मेरे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल क्यू चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ ला रहा हूं, यानी मैं प्लस क्यू चार्ज के तरफ ला रहा हूं, उस डायरेक्शन में ला रहा हूं, यानी मेरी डायरेक्शन इस तरफ की। अब आपको सीधा सा याद आ गया कि सर आप ला रहे हो इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। तो देख सकते हो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन को अपोज करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर करना चालू करेंगे। तो हमारा काम इस तरह से हुआ, ध्यान से देखना, इसके कारण रिपीट प्लस क्यू तो हमने देखी है, स्मॉल क्यू को कहां से कहां ला रहे हैं, रिपीट स्मॉल क्यू को मैं आर से पी के तरफ ला रहा हूं, आर टू पी। किसको ला रहे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, रिपल्सन। तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क की स्टोरी याद करो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपने पहले ही बोल दिया था, एफ डॉट डी आर। कहां से कहां ला रहे हो, आर से पी, यानी ये हो गया मेरा आर पी। अब मैं ये बोला फोर्स, ध्यान से सुनना, अभी मैंने एक्सटर्नल फोर्स की बात की, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर डायरेक्शन से समझ में आ रहा है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो चार्ज के तरफ लगा रहे हो, और जो रिपल्सन होगा उसके कारण वो मूवमेंट करेगा उस तरफ, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसलिए मैं एक पॉइंट दूसरा लिख रहा हूं, डब्ल्यू आर पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ध्यान से सुनना बेटा, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हुआ, और अब जो मैं लिख रहा हूं वो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। सेम, ये भी सेम ही आएगा, पर मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स जब बोलना है तब मैं क्या यूज करूंगा, माइनस। ये माइनस का मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। चलो मेरे माइंड में ये दो चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि सर आपने जो सीखा है वर्क के बारे में सीखा है, तो उसके दो पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, दो पॉइंट्स। सर फिर से, वो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट होता है। हम लोग जो भी वर्क करेंगे उसकी एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट है, उसके पाथ पे डिपेंडेंट नहीं। दूसरी बात, जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है कि उसका चेंज। तो सर याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी वो सिग्निफिकेंट नंबर है, तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है, हमें चाहिए क्या, उसका डिफरेंस। याद रखना, कोई भी जगह भी पढ़ो तो पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फिक्स होगी, हम लोग यहां से यहां गए तो यहां भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी की, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी की, मेरे को चाहिए उसका डिफरेंस चाहिए। तो हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा यू। उसके बारे में सोचो, डेल्टा यू इज इक्वल टू रूल्स के हिसाब से आप कहां से कहां जा रहे हैं, देखो आर से पी जा रहे हैं, इसका मतलब यूपी माइनस यू लिखा जाता है ऐसे एनर्जी में, लास्ट पोजिशन माइनस फाइनल, यानी फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। चलो दोनों के बारे में सोचना चालू करो, तो यूपी माइनस यू आर, ध्यान से देखना, मैंने जो अभी बोला कि उसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, सपोज दोनों के पास सेम एनर्जी है, उसको मैं बोल दू अल्फा, कि पी पॉइंट के पास उसकी एनर्जी यूपी प्लस उसका कोई कॉन्स्टेंट अल्फा, एज वेल एज आर की एनर्जी यू आर उसका कॉन्स्टेंट अल्फा। मैं क्या बोल रहा हूं कि डेफिनेशन के हिसाब से UR को आप कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटिव से ला रहे हैं, इन्फिनिटिव से ला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटिव पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, जीरो, यानी आपका UR क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वैल्यू पुट करो, यूपी प्लस अल्फा ये अंदर जाएगा, यानी माइनस UR माइनस अल्फा, ये दोनों कट, सर ये तो जीरो हो जाएगा, यानी मेरा डेल्टा यू क्या आके रह गया, यूपी। जितनी एनर्जी आएगी वही एनर्जी वर्क के हिसाब से स्टोर होगी,
बोलो मेरे पास क्लियर। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि आपको ऐसे बोला हो या फिर ऐसे बोले कि W इंफिनिटिव से P तो उसका भी एनर्जी UP ही आएगा, क्लियर। तो मेरे दो पॉइंट्स भी क्लियर हो गए, एक उसका कौन सी वैल्यू ध्यान में रहने की, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी नहीं उसका डिफरेंस इंपोर्टेंट से वो, लास्ट चीज जो भी एनर्जी है उसका यूनिट क्या रहेगा, आप जानते हो उसका यूनिट रहता है जूल, या फिर एनर्जी का यूनिट रहता है न्यूटन इनटू मीटर। एनर्जी फॉर्म की बात करो तो 11 स्टैंडर्ड में आ चुका है M1L2T-2। तो अच्छे से दो थ्योरम देख लो, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में पूछेंगे नहीं ये समझने के लिए,